बेंगलुरु, यहाँ पे अमेजोन का बहुत बड़ा FC सेंटर है, फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट सेंटर, लाखों स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, बहुत तसल्ली से काम हो रहा है। पर इस काम के पीछे जो लोग हैं, तो हमने कहा आपने बड़े साहब लोगों से मिलवाओ। हमारे साथ हैं मनीष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये कितना बड़ा कस्टमर बेस होता है, एकदम से सबको लगता है ऐसे कि साल भर का इंतजार है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो रहा है और धड़ाधड़, और आप लोगों की बैकेंड पे क्या तैयारी होती है? नहीं सौरभ, ये सचमुच बहुत बड़ा चीज है। 10 साल हो गए हमारे इस देश में, पर अभी भी हर दिवाली पहला दिवाली लगता है। जिस तरह जैसे परीक्षा के समय जाते हैं, हमेशा लगता है जितना भी आप तैयारी कर ले, पहले दिन थोड़ा सा लगता है क्या होगा। केवल हमारे नहीं, 1 लाख से ज्यादा हमारे एम्प्लॉई हैं इस देश में। 1 लाख? हाँ, 1 लाख से ज्यादा अमेजोन में, और करोड़ों में जो प्राइम मेंबर है, सब लोग इंतजार करता है। इस एक महीने में 4-5 महीने से ज्यादा की सेल हो जाती है, करीब करीब 10 लाख पैकेट्स उसी दिन पहुंच गए कस्टमर के पास। तो आपने ऑर्डर किया और उसी दिन 24 घंटे के अंदर पहुंच गए। अब ये जो मैजिक होता है कि बटन दबाए और आ गया, इसके पीछे पिछले 12 महीनों का मेहनत होता है। तो हमारे साथ कुर्सी पे बैठे हैं अभिनव सिंह, बहुत बहुत आपका स्वागत है, मुस्कुराते चेहरे पर जाइए। इन्होंने पहले बहुत साल तक मर्चेंट नेवी में काम किया, पानी के जहाज को लेके पूरी दुनिया देखी, और अब ये अमेज़न के जरिए दुनिया भर में सामान हम भारतीयों का पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि बहुत ही भसड़ वाला समय होता है, एकदम दे दनादन घर में सफाई चल रही, बैक टू बैक त्यौहार, नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, एकदम, और इसमें लोकल त्यौहार और जोड़ दें तो और। तो आप लोगों के लिए किस तरह का दिन रहता है, जो शुरुआती दौर है जब एकदम क्लिक पे क्लिक चला आ रहा है? बहुत ही बिजी टाइम रहता है। इसको हम एक त्यौहार के नज़रिए से देखते हैं, तो एक प्राइड की भावना होती है और सेलिब्रेशन होती है, गेम्स होते हैं, लोगों को एंगेज किया जाता है। सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस इज सेलिब्रेशन फॉर कस्टमर्स एंड सेलिब्रेशन फॉर सेलर्स। त्यौहार आते ही हमारी बत्तीसी भरपूर नुमाया होती है, क्योंकि त्यौहार का मतलब है घर में बहुत सारे तोहफे, बड़े बुजुर्गों की जेब का जरूरी ढंग से हल्का होना। पहले बाजार जाते थे कुर्ता पकड़ के, अब पूरी दुनिया मोबाइल पे आ गई है, ज़्यादातर लोग हम में से अमेज़न के इंडियन फेस्टिवल सेल का इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग न्यूज़ रूम में बैठे थे, हमें ये उत्सुकता हुई इस बार कि हम तो यहाँ से एक क्लिक कर देते हैं और काम आगे बढ़ जाता है, आ जाता है कि साहब प्राइम के मेंबर हो तो 24 घंटे में आ जाएगी, वरना 2-3 दिन। पीछे काम कैसा होता है, अंदर कितने रोबोट, कितने आदमी काम कर रहे होते हैं, सिस्टम चेकोलाइट है या थोड़ा बहुत भरोसे से ही चल रहा है और थोड़ा बहुत अंदाजे से चल रहा है, ये सब समझने के लिए हम लोग आ गए बेंगलुरु। यहाँ पे अमेज़न का बहुत बड़ा FC सेंटर है, फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट सेंटर, लाखों स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, बहुत तसल्ली से काम हो रहा है। पर इस काम के पीछे जो लोग हैं, तो हमने कहा आपने बड़े साहब लोगों से मिलवाओ, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ बड़े साहब नहीं है, सब लोग काम करते हैं और काम में अलग अलग कैटेगरी हैं। तो हमने कहा खैर, जो आपके इंडिया ऑपरेशन के हेड हैं उनसे मिलवा दो। हमारे साथ हैं मनीष तिवारी जी, रहने वाले इलाहाबाद और नालंदा के हैं, पढ़ाई लिखाई सेंट स्टीफेंस और IIM में हुई है, पर गांव गांव इनने खूब सामान बेचा है अपने करियर में। तो जो हिंदुस्तान की पल्स है, जिसको अंग्रेजी में Tier 3 रूरल सेक्टर, फिर Tier 2 और Tier 1, और Tier 1 में भी साउथ बम्बई और साउथ दिल्ली सब समझते हैं, तो इनसे आज हम लोग पूछने वाले हैं भरपूर सवाल। बाकी आपकी कुछ और क्यूरियोसिटी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर आ जाएंगे जहाज पकड़ के बेंगलुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये कितना बड़ा कस्टमर बेस होता है, एकदम से सबको लगता है ऐसे कि साल भर का इंतजार है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो रहा है और धड़ाधड़, और आप लोगों की बैकेंड पे क्या तैयारी होती है? नहीं सौरभ, ये सचमुच बहुत बड़ा चीज है। 10 साल हो गए हमारे इस देश में, पर अभी भी हर दिवाली पहला दिवाली लगता है। तो जिस तरह जैसे परीक्षा के समय जाते हैं, हमेशा लगता है जितना भी आप तैयारी कर ले, पहले दिन थोड़ा सा लगता है क्या होगा। केवल हमारे नहीं, 1 लाख से ज्यादा हमारे एम्प्लॉई हैं इस देश में। 1 लाख? हाँ, 1 लाख से ज्यादा अमेज़न में जो काम करते हैं। पर उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि 8 से 12 महीने 14 लाख से ज्यादा जो सेलर हैं, जो हमारा माल बेचते हैं, और करोड़ों में जो प्राइम मेंबर हैं और जो मेंबर्स हैं, जैसे आपने कहा, सब लोग इंतजार करता है। इस एक महीने में 4-5 महीने से ज्यादा की सेल हो जाती है। तो आप बड़े ब्रांड हो, छोटे सेलर हो, अपने घर से आप बिजनेस कर रहे हो,
सब लोग इंतजार करते हैं। आपके साथ एक मैं डेटा शेयर करता हूँ। सेल जब शुरू होती है रात को 12 बजे, पहले 24 घंटे हम केवल प्राइम मेंबर्स के लिए रखते हैं, पर पहले जो 48 घंटे हैं करीब करीब 9.5 करोड़ कस्टमर विजिट्स हुए amazon.in में, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। 9.5 करोड़ तो बहुत देश के पॉपुलेशन नहीं होता है। हाँ। तो इतना एक्साइटमेंट और इतना मेहनत लगता है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आज के दिन सौरभ आपने बताया कि हम स्टूडियो में बैठ के ऑर्डर करते हैं और सामान आ जाता है। बिल्कुल, पहले 48 घंटे में करीब करीब 10 लाख पैकेट्स उसी दिन पहुंच गए कस्टमर के पास। तो आपने ऑर्डर किया और उसी दिन 24 घंटे के अंदर पहुंच गए। अब ये जो मैजिक होता है कि बटन दबाए और आ गया, इसके पीछे पिछले 12 महीनों का मेहनत होता है। हमारे लिए क्या मेहनत होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप बैठे हुए हैं बैंगलोर में, या ऐसे करीब करीब 42 सेंटर्स हैं हमारे, हजारों लास्ट माइल स्टेशन है, वो प्राइम एयर है, रेलवेज है, इंडियन पोस्ट है, सबको हम गैरअप करते हैं, मतलब पूरे 12 महीना तक। अच्छा, ट्रेन से भी अमेज़न ट्रेन से भी, अब तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में है। हर दिन सौरभ करीब करीब 400 टन अमेज़न का जो पैकेट्स आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ग्राहक ऑर्डर कर रहे हैं, वो ट्रेन से जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज फ्रेट कॉरिडोर से फ़ायदा हुआ, फ्रेट कॉरिडोर से फ़ायदा हुआ। हम वाटरवेज में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छे जो रोड क्वालिटी हो रहे हैं उसके कारण पैकेट जल्दी मिल रहे हैं, इंटरनेट क्वालिटी इतना अच्छा हो गया है, मतलब पिछले 10 साल में, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ है सौरभ जो कि बहुत ज़रूरी है, ये 1 से 2 महीना जो इस महीने का सेल और 1 महीना छोटे सेलर्स के लिए, इसी से पूरे साल का फर्क पड़ जाता है। मैं इतना आने वाला था, एक कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि एक ई कॉमर्स जाइंट आएगा तो जो कस्बों के चौराहों के छोटे दुकानदार हैं उनके काम पर असर पड़ेगा, लेकिन जब हम अमेज़ॉन के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटर नहीं, हम इनेबलर हैं। ये समझाइए भाई साहब ज़रा उदाहरण से। नहीं, एकदम आपको, आपने जैसे कहा कि 25 साल हो गया है, हर तरह का दुकान ऑफलाइन में भी काम किया हूँ, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है समझने के कि अमेज़ॉन का क्या रोल है इसमें। अमेज़ॉन का रोल है, आप सोचिए, है कि वो टेक्नोलॉजी जो amazon.in ऐप है वो बनाने का, उनका है कि कस्टमर जो एक्सपीरियंस हो खरीदने का वो अच्छा रहने का, जो सप्लाई चेन है जैसे ये वेयरहाउस है उसको अच्छा करने का, पर जो एक्चुअल जो विक्रेता है जो सेल करते हैं वो सेलर होते हैं, अमेज़ॉन सेलर नहीं होता है। पहली बात ये। दूसरी बात, 10 साल में करीब 14 लाख लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो बेचते हैं। पहले क्या होता था सौरभ, आपने भी देखा था, और जैसा कि मैंने कहा कि 25-26 साल से भारत में काम कर रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छा आइडिया होता था, आप अपने बहुत एंटरप्रेन्योरल हुए अगर, तो कि हम नौकरी नहीं करेंगे बिजनेस करेंगे, आप अपने इलाके में शहर में बेच लें, बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, 10 साल बाद स्टेट में, नेशनल बहुत कम लोग होते थे। हाँ, आप कोई भी कैटेगरी ले लो, आप साबुन ले लो, काफ़ी दिन मैंने साबुन बेचा है। आप 20 साल पहले चल जाओ, चंद ब्रांड्स थे, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, कुछ कुछ स्टेट के बड़े बड़े प्लेयर। आज के दिन में हर दूसरे महीना एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है। क्यों लॉन्च हो रहा है, और ये लॉन्च बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर में नहीं हो रहा है, छोटे छोटे जगह से जिनके पास अच्छा आइडिया होता है। क्या करना है सौरभ, आप सपोज आप साबुन का एग्जाम्पल लो, होम मेड, आप अपने किचन से बनाना शुरू करो, आपको चाहिए एक GST, एक पैन कार्ड या कुछ आधार कार्ड और एक फ़ोन। मिनटों में आप रजिस्टर करो, आप साबुन बनाओ, आपके घर से हम आके सामान ले जाएंगे और आप 180 देश में बेच सकते हो। इतना आसान हो गया, आपको एडवर्टाइजिंग नहीं करना पड़ता है। पहले अगर आपको इंडिया में कुछ करना पड़ता, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत बहुत भयानक चीज़ थे, छोटे ब्रांड सक्सीड नहीं कर पाते थे। आप जितना यूनिकॉर्न्स का सोचिए नाम, उसमें से 50% सब अमेज़न में क्रिएट हुए हैं, और ये आज पॉसिबल है क्योंकि ई कॉमर्स है। नहीं, ये बताइए, जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ कालपी में हैंडमेड पेपर बनता है, कानपुर में बैग लेदर के बहुत अच्छे बनते हैं, या फरुखाबाद में जरी का काम बहुत अच्छा होता है। अब ये आर्टिसंस हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, क्या अमेज़न इनके पास एक्टिवली पहुँचता है कि आप ये कर लो, कुछ उनको ट्रेनिंग देता है और फिर बोलता है कि आप GST नंबर और पेन बना लो, यू कैन कम, या दे हैव टू रीच आउट, हाउ डज इट वर्क? यूपी में एक प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का,
उसको ODOP बोलते हैं, ODOP, one district, one product. आपने बात किया वो चूड़ियों का बिजनेस है, ब्रास का बिजनेस है, वाराणसी में हैंडलूम का. तो हम क्या करते हैं आज के दिन में, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अमेज़न कारीगर. अमेज़न कारीगर, हाँ. क्या होता है इस प्रोग्राम में, जो लोग गुड क्वालिटी, ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, कि कोई हैंडलूम का बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, उनको हम चाहते हैं कि वो आके सेल करे डायरेक्टली या अपने कोऑपरेटिव के थ्रू. आजकल वो बेचते हैं तो 10 रुपये का चार्ज मिलता है, वो बिकता है 100 रुपया में. इतने लोग रहते हैं बीच में ना, पूरा वैल्यू नहीं मिलता. हमारा ये इच्छा है कि आप बनाइए और आप ही डिसाइड कीजिए क्या प्राइस में बिकेगा, और जिस प्राइस में बिका 7 दिन में पैसा आपके अकाउंट में. इतना सिंपल है. ओके. हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाते हैं ODOP के लिए गवर्नमेंट के साथ. कानपुर में तो हमारा एक फिजिकल सेंटर है जिसको बोलते हैं डिजिटल केंद्रा, होलसेल मार्केट में. तो उसमें क्या है, आप कभी भी घुसिए, हम आपको सब चीज़ समझाएंगे, 6 मिनट के अंदर आपको सेलर बना देंगे. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, आप सपोज चूड़ियों का बिजनेस है, आपको हम समझाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे जब ऑर्डर आएगा तो आप यहाँ पे देख लेना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, अच्छा, तमिल में, मलयालम में, बंगाली में, सब अपने लैंग्वेज में आप देख लीजिए और आप उसको बना दीजिए माल. हम आके आपसे स्टॉक उठा के कहीं भी इंडिया में, स्टॉक आप पिक करेंगे, हम पिक करते हैं आपके वहां से. एवरी पिन कोड इस देश का, मतलब लद्दाख से लेके लक्षद्वीप तक, और अगर आप चाहें तो दूसरा रीजन, एवरी पिन कोड, एवरी पिन कोड. एंड दिस इज ऑल 12 मंथ्स, ऑल वेदर, ऑल वेदर. लद्दाख उदाख में तो अब थोड़ा बहुत दिक्कत होगी जब जब लॉजिस्टिक्स होती है, बट अदरवाइज एवरी पिन कोड इन दिस कंट्री हम सप्लाई कर देंगे. तो सौरभ आप सोचिए, आप अपने कानपुर से आप जी, कितने लोगों को अच्छा आइडिया था लेदर का भी, हाँ, पर बहुत लोग ना पूरा वैल्यू नहीं मिलता था उनको. इतने बीच के लेयर्स थे ना कि वो बिकास में चुंगी लग जाती थी, नहीं. तो हम करीब 12 लाख कारीगर इस तरह के जिसकी आप बात कर रहे हैं, हर शहर से, हर स्टेट से, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए, हनी, बैम्बू प्रोडक्ट्स लोग बेचते हैं. अब लॉजिस्टिक्स का उनको दिक्कत नहीं होता है. तो 12 लाख से ज़्यादा कारीगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं हमारे साथ. सहेली में जितने स्टेट एम्पोरियम है, खादी ग्राम उद्योग, सब हमारे मार्केट प्लेस में आके सेल करते हैं. तो हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी, अगर जो लोग भी देख रहे हो ये प्रोग्राम जी, जिनके पास अच्छा आइडिया हो, हाँ, हम तो बोलते हैं कि आप रीच आउट कीजिए. हमारा भी वेबिनार होता है, बहुत तरीके होते हैं मिलने के, बहुत बड़ा सेल्स टीम है, वो हमेशा हमारे फोकस रहता है. और इसमें एक बड़ा नहीं, अच्छा, नहीं, इसको भाई साहब मैं बीच में रोक रहा हूँ. मान लीजिए कि कोई इसके कैमरे के पीछे से बक्सर, बहरामपुर है ना, या शहडोल से देख रहा है ये, या बीकानेर से देख रहा है, और उनको लग रहा है कि साहब मैं ये ऊन से बहुत अच्छी डॉल बनाती हूँ, और हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो हम लोग 1000 डॉल बना लेते हैं लेकिन लोकल में हम बेचते हैं, मार्जिन नहीं है, हाउ शुड दे अप्रोच यू? तो इनको या तो कैसे, हाँ, तो या तो अगर आप जाके टाइप करें अमेज़न सेलर बनना है, या तो हमारे ऐप में भी है कि सेलर बनना है तो क्लिक कीजिए. भारतीय भाषाओं में है, हाँ, आज के दिन 6 भाषा में है, हाँ, और हम जोड़ते रहते हैं जैसे जरूरत पड़े. उनको बस जाके जो मैं बोला अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ओके. उसके बाद वो डॉल का पिकअप से लेके पैकिंग से लेके हम सब चीज में हेल्प करते हैं. हमारे हजारों पार्टनर सर्विसेज है, आपको GST चाहिए वो आपको हेल्प कर सकते हैं. अच्छा, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे, हाँ, क्या करना है, सबका फीस होता है बिकॉज बिजनेस है. पर जो कारीगर होते हैं स्पेशली सौरभ, उनको हम डिस्काउंटेड फीस देते हैं. अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आपके प्लेटफॉर्म आए ऑनलाइन, और एक बार ऑनलाइन आएंगे इट्स गुड फॉर देम, कंज्यूमर्स को मिलते हैं. अब बहरामपुर की बात की आपने, बहरामपुर के प्रोडक्ट्स अब US में बिकते हैं डायरेक्टली. ओके. आज तक जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं ना, आप कमोडिटी हटा दो, लोहा वो सब रॉ मटेरियल हटा दो, हमारे ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम में ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स बन रहे हैं, $8 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है 180 देशों में. तो मैं चाहता हूँ कि आपने बोला बहरामपुर के जो देख रहे हैं प्रोग्राम, कि यस आप जाइए ऐप में, आप सेलर रजिस्टर कीजिए. अच्छा ये बताइए, ये अपना जो ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, ये कैसे प्रेडिक्ट करते हो आप लोग कि इस बार पब्लिक क्या खरीदने वाली है, किस चीज पे झूम के ऑर्डर आएंगे, ये बिहेवियरल पैटर्न कैसे समझ में आता है, और उसके लिए तैयारी क्या होती है? आप लगातार मार्केट से फीडबैक ले रहे होते हो क्या कि लोकल लेवल पे किस तरह की बाइंग हो रही है, फैशन किस चीज का चल रहा है, और अलग अलग कंजम्पशन किस तरह के हो रहे हैं, हाउ डू यू
डिकोड दैट? सो दो तीन इस पे इसको मैं बांट देता हूँ. पहला तो सौरभ, एक चीज जो ऑनलाइन में फायदा होता है कि लाखों लोग डेली ऐप पे आते हैं, लाखों. हाँ जी. हाँ, तो वो क्या देख रहे हैं, जो पिक्सल होता है ना कि ये पिक्सल आपने देखा, क्या देख रहे हैं, देखा पर खरीदा नहीं, कितनी देर ठहरे, कार्ट में डाला, फिर पड़ा रहा, कार्ट में डाला. जो हम कुछ एंगेजमेंट रखते हैं ना, जैसे अमेज़न लाइव या कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम रखते हैं उसमें कि नया कुछ लॉन्च होता है तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो आके बात करते हैं, उनको अच्छा लगा नहीं लगा, वो हमको सब. हम इसको ना एक एनालिटिक्स बना के अपने सेलर्स के साथ सर्च करते हैं. तो ये बड़ा चीज है कि जो भी आप करते हैं ऐप में, वो हम एनालिटिक्स बना के हम बोलते हैं कि देखिए ऐसा एक्टिव डेटा शेयरिंग विद देम है. वो मतलब उसको सेलर लेवल का नहीं दिखाते हैं, एग्रीगेटेड डेटा. हाँ, पर बता देते हैं कि ये चीज. दूसरा, हर दिन लाखों रिव्यू और रेटिंग आते हैं जो ग्राहक आके लिख रहे हैं कि हमको ये नहीं अच्छा लगता है या ये हमको बहुत अच्छा लगा. हाँ, और आज के दिन में आप देखिएगा पेपर में ऐड आते हैं कोई भी प्रोडक्ट का ना, वो अमेज़न रेटिंग कोना में लिखते हैं. क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि जो भी अगर अच्छा रेट होगा अमेज़न में, वो अच्छा प्रोडक्ट है. तो आज के दिन में सौरभ, जैसे पहले ना केवल एड्स आते थे, बहुत ज़रूरी था. हाँ, अब आप यंगर जनरेशन से पूछिएगा ना कि ऐड देख के खरीद तो, बोलेगा नहीं. मतलब हेल्प करने के लिए भी, एडवाइस करने के लिए भी, और वो साथ में अपने आप ग्रुप में आते हैं. सेलर यूनिवर्सिटी है, तो बड़ा टीम है जो हमेशा इस पे लगा रहता है कि बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करे कि भैया ऐसे करने से क्या होगा. लास्ट चीज जो है, जो कि अब हमने शुरू किया है, आजकल जो टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल हो गया है ना, तो सौरभ हमारा एम है और हम करेंगे कि जितने 14 लाख सेलर है ना, हम सबको उनका अपना कस्टमाइज एक असिस्टेंट दे टेक्नोलॉजी यूज करके. तो आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे सुना होगा, जिस मतलब दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा है उससे. बिल्कुल. अमेज़न क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, लाखों इंजीनियर हैं, हम उसको इंडिया में लॉन्च किए हैं अमेज़न सहाय करके. सहाय मतलब हिंदी में आपको जो हेल्प करे. ये शर्ट पहना है आपने, कुर्ता पहना है, आज के दिन में जब सेलर को ये कुर्ता लिस्ट करना पड़ेगा ना, कैटलॉग बनाना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं क्या क्या लिखें, ग्रीन कुर्ता, कितना बटन. अब क्या करना है, वो ऐप लेके इसको स्कैन कीजिए. ओके. यूजिंग ऑल द डेटा जो कि शॉपर्स देखते हैं, वो बोलेगा ये फीचर्स आप लिखिए, अगर आपको अच्छा लगता है क्लिक कीजिए, कैटलॉग बन गया. और दोनों के लिए विन विन है, जो बेच रहा है उसके लिए भी और मेरे जैसे कस्टमर के लिए भी. कस्टमर के लिए है, बिकॉज आप वही खोजते हैं. आपके लिए कॉलर का जो ये जो कुर्ता कॉलर है उसका डिजाइन बहुत जरूरी है जी. पर सेलर जो बेच रहा है कोई छोटे शहर से, कभी कभी नहीं मालूम होता है. हाँ, कि बकरम कितना अंदर, बकरम कितना है, तो आप सर्च करते हैं बकरम देख के. अब जब उसको मालूम चलेगा, क्योंकि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा लेके वो ये कर रहा है, वो बता रहा है कौन क्या खोज रहा है, कि इसको यूज कीजिए. तो तीनों के लिए, ग्राहक के लिए अच्छा है, सेलर के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है. तो इस तरह से ना हम कोशिश करते हैं कि जितना ट्रेंड्स हो. इसीलिए आजकल ऑनलाइन 100 आदमी आते हैं, अगर 50 भी खरीदे, बाकी 50 ना सीखने आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट नया है, कौन सा अच्छा है, क्या रेटिंग अच्छा है, उनकी अलग रिसर्च चल रही होती है. तो ये रिसर्च का सेंटर हो गया है. आज के दिन में ज्यादा लोग अमेज़न में आके नया प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई भी और ऐप के हिसाब से इंडिया में कोई भी नया प्रोडक्ट होगा ना, लोग आके वहाँ सर्च करते हैं. तो बहुत पावरफुल हो गया. लेकिन हमारी एक शिकायत है भाई साहब आपसे, बड़ी घरेलू शिकायत है. हम अक्सर अमेज़न पे जाते हैं जब हमें कोई किताब खरीदनी होती है, मिल भी जाती है अक्सर, और फिर मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि शुरुआत भी किताब के एक ई कॉमर्स सेंटर के तौर पर हुई. पर हमारे घर के और लोग जाते हैं, उनको खरीदनी होती है दो चीज़ें, वो खरीद लेते हैं 20, फिर वो रिटर्न करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं. तो घर में ना दिन भर मेला लगता रहता है और घंटी बजती रहती है. ये क्या चक्कर है, थोड़ा सख्ती करो आप लोग. सी, आप रिटर्न में बोल रहे हैं? हाँ. नहीं, हमारा एक सिंपल पॉलिसी है, दिन भर वो रिटर्न गिव एंड टेक दफ्तरों में परेशान हो जाते हैं वो आजकल एक सर्विस डिस्पैच वाले. वैसे एक सर्विस है, दो अलग चीज़. हाँ सौरभ, एक तो है कि हमारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये कस्टमर के ओर चलता है, कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, उसको सर पे चढ़ा के रखना है.
बिकॉज हमारा बिजनेस उन्हीं पे डिपेंड करता है, हमारा सेलर का बिजनेस उन्हीं पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न लेते हैं। क्या बोलो कि हम, बहुत लोग बोलते हैं अरे कोई अब्यूज किया, तो 99.9% कस्टमर अब्यूज नहीं करते हैं, उनको ये चाहिए। और ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कभी कभी आप नहीं टच फील कर सकते, इसलिए आप लौटा देते हैं। दूसरा है, जहाँ तक पॉसिबल हो हम ट्राई करते हैं कि कंसोलिडेट करके माल भेजें। दो चीज जो समझने की बात है, हम आज के दिन में करीब 12 करोड़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 12 करोड़ यूनिक प्रोडक्ट। मैंने कहा कि सेलर के, जब आप कहते हो 12 करोड़ मतलब ये गमछा, ये एक प्रोडक्ट है या मान लीजिए देश में 70 तरह के गमछे मिलते हैं, तो वो 70 प्रोडक्ट है। अगर 70 यूनिक गमछे हैं तो 70 होंगे। अच्छा, अगर यही आइडेंटिकल गमछा है तो एक होता है। हाँ, तो उस अच्छा, तरह से हम गिनते 12 करोड़ प्रोडक्ट। और कभी भी आपने कहा कभी किताब नहीं मिलता, मेरे को बताइए, क्योंकि हमको इस चीज पे बड़ा गर्व होता है कि आप जो भी खोजिएगा, जैसे अभी रूम में बैठे आप कुछ भी देखिए, फैन से लेके एसी से लेके लाइट से लेके चेयर से लेके माइक से लेके घड़ी से लेके सब होना चाहिए। महाभारत के श्लोक जैसा साउंड कर रहा है कि जो भारत में है वो महाभारत में है। कोशिश वही है। हाँ, ये जो डिलीवरी का है, क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम कंसोलिडेट करके भेजें जी। और हम पूछते भी हैं, जैसे आप प्राइम मेंबर हैं, कि आपको जल्दी से भेज दें कि आप मंडे तक रुकिएगा। कुछ लोग बोलते हैं मंडे तक रुकेंगे, तो हमको थोड़ी सहूलियत होती है कि कंसोलिडेट करके भेजें। पर कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को आज ही चाहिए। अब याद रखिएगा, अगर आप दिल्ली ऐसे शहर में भी ना, वेयर हाउस एक है, बट मैंने जैसे पहले बताया हम तो सेलर के यहाँ से भी स्टॉक उठाते हैं। हाँ, ओके, तो ऐसा नहीं है कि सब माल जो दिल्ली में आ रहा है एक जगह से आ रही है। तो अमेजोन का व्यक्ति जाएगा सेलर के पास, वहां से पिक करेगा। तो आप मान लो आपने कुर्ता और ये घड़ी ऑर्डर किया, घड़ी हो सकता है किसी सेलर ने बोला मैं वेयर हाउस में भेजूंगा, कुर्ता आप मान लो पहले हम बात कर रहे थे बाबा खड़क सीर में कोई इम्पोरियम स्टेट इम्पोरियम में, हाँ। वो वाला होगा कि आप हमारे दुकान से आके कुर्ता ले जाइए। अब यहाँ से कुर्ता लिए, यहाँ से घड़ी लिए, आप सोचिए लाखों डिलीवरी हो रहा है दिन में। अगर हम सब चीज़ को साथ में कंबाइन करेंगे कभी कभी लेट हो जाता है। तो ये कन्वीनियंस होता है ना कि अगर आप आराम से ले सकते हैं तो आप रुकिए, हम कंसोलिडेट करेंगे, आपको हड़बड़ी है तो हम दे देंगे। बट एक तरह से जो घंटी बजता है, जो हमारे साथ 14 लाख लोग सेल करते हैं, हाँ, वो हर घंटी उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज एक चीज़ बिका तो बहुत लोग होते हैं इसके पीछे। अच्छा, ये बताइए 10 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से 5 जून 2013 को शुरू हुआ था। That's right, हाँ। तो एक डाक टिकट भी निकला था शायद आप लोगों के ऊपर। हाँ, तो ये थोड़ा सा फैला हुआ सवाल है, पर मैं चाहता हूँ कि आप घटनाओं और अनुभवों के जरिए बताएं। आंकड़े तो हमारे पास हैं बहुत कि कितनी बड़ी कंपनी हो गई, जेफ बेजोस भाई साहब आए थे वो भी बहुत सारी चीज़ें बता गए। तजुर्बा क्या रहा 10 साल में आपने इंडियन मार्केट को, भारतीय ग्राहक की रुचियों को, उसके खरीदारी के पैटर्न को किस तरह से बदलते देखा? और अगेन ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जब इकोनॉमी खुली तब से आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी खुलने के बाद, जिसको हम लोग चलताऊ भाषा में कहते हैं कि सड़क पहुंची हो ना पहुंची हो पर मैगी का पैकेट पहुंच गया था या फलानी चीज़ पहुंच गई थी, किस तरह से बदलते देखा 10 साल में? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, करीब 2 महीने पहले की बात है। तो मेरे एक मित्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पुलिस सर्विस में है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो चंबल रिवर में वो हम 2 दिन के लिए गए, वो बोट में बैठ के बर्ड फोटोग्राफी करते हैं। काफ़ी रिमोट जगह है, राजस्थान MP के बॉर्डर में। तो जो नाव चला रहे थे वो थे और हम दोनों थे, और इनके पास पूरा इक्विपमेंट था। तो इन्होंने मजाक में बोला कि इनको आप पहचानते हैं नाव वाले को? तो नाव वाले बोला नहीं कैसे पहचानूंगा, तो बोला अमेजोन में काम करते हैं। चंबल के उस नदी में सबसे करीब करीब जो रिमोट का जो नाव वाला, बोला हम भी खरीदते हैं अमेजोन से, अमेजोन नहीं अमेजोन से। 10 साल में सौरभ, कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरह ऐसे बड़ा रेयर कोई मिलता है जिन्होंने आज तक कभी कुछ खरीदा ना हो, कुछ बेचा ना हो, या फैमिली मैन नहीं देखा हो, या मिर्ज़ापुर में मज़ा नहीं आया हो, या अमेजोन पे नहीं यूज़ किया हो, या घर पे अलेक्सा पे न्यूज़ या गाने का फरमाइश नहीं किया हो। तो सौरभ 10 साल में करीब करीब ना हम भारत का हिस्सा हो गए। अब मतलब लोग ना ई-कॉमर्स को अमेजोन बोलता है।
हाँ। अब आप सोचिए 10 साल पहले जब शुरू हुआ था, जितने मंडी थे ना इस शहर में, इस देश में, बड़े बड़े मंडी जैसे गुजरात में है, दिल्ली में सदर बाजार है, यहाँ पे यार्ड है, हम वहाँ जाके बैठते थे और लोगों को बोलते थे कि आके चाय पीजिए हमारे साथ, बस चाय पीने के लिए तो वो आ जाते थे और हम उनको समझाते थे कि भैया ऑनलाइन बेचो। उस समय ना 2013 में ऑनलाइन थे कुछ लोग, बट बड़े कुछ मेट्रोज में थे, कुछ सेलर थे शुरुआती दौर, हाँ, तो लोग बोलते थे कैसे क्यों जाएंगे। हमने जो पहला वेयरहाउस खोला था बहुत छोटा था, ऐसा नहीं था, बॉम्बे में था, लोग अपने गाड़ी में स्टॉक लेके आए थे, सेलर लोग किताब बेचते थे ना? पहला एक किताब जो बिका था, तो बड़ा ये सब चीज़ ना, कंपनी बड़ी होती है छोटी होती है, इंसिडेंट याद रहता है। एक डाइटिंग का किताब था, फ्रॉम एक्स्ट्रा लार्ज टू एक्स्ट्रा स्मॉल, जो थी वो डाइटिशियन थी फिल्म स्टार्स की, रुजिता दिवेकर की किताब। हाँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तिवारी करके एक ऑथर है, तिवारी याद रहता है क्योंकि मैं भी, जब पहला ऑर्डर ड्रॉप किया था ना, हम लोग सब रुक के ना हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। वो दिन है, आज अब देखिए 14 लाख सेलर अपने हवाई जहाज चल रहे हैं, हर सेकंड कितने हवाई जहाज भी हैं आपके पास, प्राइमर चलाते हैं कार्गो के लिए। हर आदमी रुका रहता है कब मिर्जापुर का अगला सीरीज आएगा। अरे अभी हमारे यहाँ पंकज त्रिपाठी जी आ रहे हैं, उनको नेशनल अवार्ड भी मिलने वाला है, तो वो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कब आएगा अगला मिर्जापुर। हाँ, मतलब आप अगर सिर्फ इतना लिख के वीडियो में डाल दो कि मिर्जापुर सीजन 3 की, ये बड़ी चीज है। नहीं, पर अब उसके मीम बन गए हैं। हमारे यहाँ अवध ओझा एक एजुकेटर है, बड़े मशहूर, वो आए, उनकी तो पूरी PhD समझ लीजिए कि मिर्जापुर के किरदारों पे है, कि ये अखंडानंद के अंदर IAS वाली क्वालिटीज हैं, इसके अंदर नहीं है, ये वो अलग ही, मतलब इट्स पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज, अवर कल्चर, अवर मीम, वो इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत अलग चीज़ है, फैमिली मैन फॉर दैट मैटर। अब ना वही बोले कि 10 साल में बहुत लोग से पूछेंगे ना कि कब शुरू होगा अमेजोन, बोलेंगे बहुत साल से चल रहा होगा पता नहीं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है हमको कि कहाँ से कहाँ आ गया। और इसका ना एक चीज़ है इसके पीछे, 10 साल में ना ये देश भी बहुत बदल गया। आप इंटरनेट देखो, 6-7 साल पहले 16-17% लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, आज 60-70 है। हम बैठे हुए हैं कर्नाटका में, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जितने लोग इंडिया में इंटरनेट यूज करेंगे, इट विल बी 10 times द पॉपुलेशन ऑफ UK। आप समझ सक रहे हैं, कर्नाटका में का पॉपुलेशन UK से ज़्यादा है। किस देश में GDP ग्रोथ फास्टेस्ट है, मीडियम और बड़े साइज में? आज के दिन आपको और हमको नॉर्मल लगता है कि हम निकल जाते हैं बाजार में बिना वॉलेट का, फोन लेके। हाँ, 60-65% ग्लोबल डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन अब भारत में हो रहा है। रोड का क्वालिटी देखिए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना, ऐसा स्केल किया है, ग्रोथ स्टोरी। हाँ, इसीलिए सौरभ मैं बोलता हूँ कि इससे बेटर समय नहीं है अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी छोटे बिजनेस को स्केल अप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फंडिंग, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल एंड क्रेविंग फॉर न्यू कॉन्टेंट। एब्सोल्यूटली, मैं छोटे शहर से आया हूँ, मेरे को जब मैं किताब खरीदने दुकान में जाता था जमशेदपुर में, सेन एंड ब्रदर्स अभी भी हैं, उनका दुकान है, हमको पहले पैसा देना पड़ता था बिकॉज वो कलकत्ता से मंगाते थे इंजीनियरिंग या UPSC का किताब। आज के दिन में आप जमशेदपुर से बैठिए वही 12 करोड़ प्रोडक्ट लीजिए जो मैं बैंगलोर में बैठा हूँ या तो आप साउथ बॉम्बे में बैठे। एक किस्म का इक्वलाइजर भी हो गया। 100%। अब द ओनली डिफरेंशिएटर इज टैलेंट, कहाँ से आप आते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ती। भारत की यही कहानी है। हम लोगों ने तो 6-7 साल में जो ललन टॉप बिल्ड किया वो बिल्कुल यही है कि भाई हम बहुत देसी हैं, बहुत एस्पिरेशनल भी हैं, और ये कतई मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ जाना चाह रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। एग्जैक्ट। इनफैक्ट आप जब नाव का बता रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था, हम लोग जब भी चुनावी रिपोर्टिंग में घूमते हैं ना, तो कई गाँव में लोग बड़े उत्साह से बताते हैं कि उनका गाँव कितनी तरक्की कर गया, तो बोले अरे भैया हमारे यहाँ अमेजोन की डिलीवरी आती है। नहीं, हमारी तो जैसे मैंने कहा कि हम सब जगह डिलीवर करते हैं। नहीं, ये तो जैसे आपने बोला, हो सकता है स्टेटस सिंबल हो कि हमारे गांव में अमेजोन आता है, बट आप सोचिए सौरभ, लद्दाख टाइप जगह में, लक्षद्वीप टाइप जगह में, पहले ना सप्लाई चेन नहीं होता था, इतने ही महीने होगा लक्षद्वीप पे सब सामान नहीं जाते थे। अब आप कहीं से भी ऑर्डर कीजिए, हर प्रोडक्ट आपको जो होगा सप्लाई करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस देश में एस्पिरेशन हमेशा से था, इसमें मतलब हमसे आगे कोई देश नहीं। टैपिंग अब हो रही है, अब हमने सप्लाई को सॉल्व कर दिया। डिमांड का तो प्रॉब्लम नहीं था कभी, लोग चाहते थे। आपने और हमने पालिका बाजार या हीरा पन्ना में शॉपिंग किया होगा। बिल्कुल। क्यों किया था?
अब वही सल्फेट फ्री शैम्पू, वही जैकेट आप जाइए अमेज़न में, आपको मिलेगा, ट्रस्टेड सप्लायर के थ्रू मिलेगा, रिटर्न कर सकते हैं। लिटरली यही होता है, शाम को फ्लाइट पकड़नी है, किसी काम से जाना है, आफ्टर शेव खत्म हो गया, सुबह बोला घर पे और वो दोपहर तक कई बार आ जाता है, वही कोशिश रहती है। हाँ अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये तो 10 साल की कहानी हो गई जिसमें चंबल की नाव पे बैठे कक्कर ने भी बोल दिया हाँ हमने अमेज़न खरीदा है, है अपनी ब्रजभाषा में, आगे क्या? क्योंकि खूब कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, इंटरनेट तेज हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास भी ऑप्शन है, तो अमेज़न इस भारत की कहानी को कैसे देख रहा है? और जो मैं आपसे इंटरव्यू शुरू होने के पहले पूछ रहा था, उसमें मेरी व्यक्तिगत चिंता भी रहती है कि जो गांव देहात के कारीगर हैं, हाथ से पंखा बना रहे हैं, कोई मुखौटा बना रहा है, चित्रकारी कर रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आए और भारत के उस पोटेंशियल को आप और कैसे टैप करने वाले हैं, फ्यूचर प्लान? तो मैं पहले छोटे गांव और उसके कारीगर से शुरू करता हूँ। पहले क्या होता था, कारीगर ने कुछ बनाया, वो किसी को बेचेंगे, जो कि फिर डिस्ट्रिक्ट में जाके किसी को बेचेंगे, बड़े मार्केट पहुँचते पहुँचते कारीगर को मिला 10 रुपया, वो बिक रहा है 100 रुपया में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था कि कैसे पहुँचे। आज के दिन में हर कारीगर को, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम बोलते हैं, आप रजिस्टर कीजिए, आप बेचिए, और आपको कोई तकलीफ नहीं करना है, आपको नहीं समझना है कि आपके गांव से वो देहात में कैसे जाएगा, वहां से डिस्ट्रिक्ट में कैसे जाएगा, वो हमारा काम है। पैकेजिंग में भी हम मटेरियल भी देते हैं कि आप पैक कर लीजिए। मान लीजिए आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी बनती है, बड़ी कमाल की। अब उनके उनसे जब मैंने बात की तो बोले साहब डिमांड बहुत होती है लेकिन टूट जाता है, तो अब ऐसे वो एक मान लीजिए बैजनाथ प्रजापति हैं, बहुत पुरस्कृत ब्लैक पॉटरी के कारीगर हैं, अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे उनको कैसे मदद मिलेगी, कैसे आप उनको लाएंगे प्लेटफॉर्म पे और कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारे या आपके घर में दीपावली के डिनर से पहले वो ब्लैक पॉटरी का सेट आए, वो इंटैक्ट आए, ऐसे बताइए। तो एक तो मैं उनका नाम याद रखूंगा एंड मैं अपने सेल्स वालों के थ्रू प्रजापति जी से आजमगढ़ में कॉन्टैक्ट करवाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के जो कारीगर होते हैं ना, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म सबसे यूजफुल है। पर आपने पैकेजिंग का बात किया, हम हर चीज से 10 लाख का टेलीविजन से लेके दिया सब बेचते हैं, और थोड़ा एक्सपर्टीज हो गया हमारा, you know, कंडा भी बेचते हैं आप लोग तो? आप तो जो गोईठा समझते हैं, हाँ वही उपला कंडा गोईठा, गोईठा भी बेचते हैं और लोग ऑर्डर करते हैं, बॉम्बे शहर में लोग गोईठा ऑर्डर करते हैं कि भैया कहाँ से लाओगे गोईठा। हाँ तो हम तो सब चीज, हमारे सेलर्स पूरा रेंज लाते हैं और पैकेजिंग हम कर लेते हैं, बहुत एक्सपर्टीज है। अगर सेलर बोले कि हम नहीं कर पाएंगे, वो भी हम करने को तैयार है। ओके, जो सेलर को भी हम पैकेजिंग होता है ना मटेरियल, हमारे हजारों सप्लायर हैं पूरे देश में, हम बोलते हैं इनसे लीजिए, इनका क्वालिटी अच्छा है, आप बस अपना जो की आर्ट है ना, वो घड़ा बनाइए, उस पर फोकस कीजिए पॉटरी पे, बाकी हम आपके लिए हेल्प करेंगे। तो वो आपका जो कारीगर का ये था, तो आपने बोला कि आगे क्या, कि 10 साल हो गए हमारे कंपनी में, एक सौरभ हम हमेशा बोलते हैं कि आज day 1 है। इसका क्या मतलब होता है कि आप कोई भी बड़े बड़े कंपनी का हिस्ट्री देखिएगा ना, बहुत कम कंपनी 100 साल की ज़्यादा चलते हैं। और क्या होता है, कभी कभी जब आप बड़े होते हैं ना, तो आप ग्राहक को भूल जाते हैं, सेलर को भूल जाते हैं, कंपनी के अंदर लेयर पे लेयर, आप डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी सेलर को करना है तो 6 आदमी से पूछिए, वो ना हायरार्की बनने लगता है, उसको हम day 2 बोलते हैं, कि आपका ग्राहक से ध्यान हट गया। इंटरेस्टिंग। हाँ, और अब आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी, हाँ, तो अमेज़न में हम हमेशा बोलते हैं कि day 1 कल्चर रखो। ये मैं अपने न्यूज रूम में सुनाऊंगा सबको। नहीं, मेरे हिसाब से बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि भैया आपका अल्टीमेटली काम क्या है, ग्राहक को सर्व करना है। हाँ, आपका जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, जैसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं जो सेल्स के, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। ये बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के नहीं होता है, लेयर पे लेयर की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मेल खेलते हैं, तो हमको बहुत डर लगता है उससे। अमेज़न इंडिया में तो अभी हम day 0 पे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इतना बातचीत होती है ई कॉमर्स का, पर आप मान लीजिए अगर 100 रुपये का लोग सामान खरीदते हैं, 2 रुपया ई कॉमर्स में जाता है, बहुत छोटी है अभी, बहुत बहुत छोटी है, वॉल्यूम का खेल है ना अभी। तो आप सोचिए कि अब कंपटीशन और ये सब चीज तब आता है जब पेनिट्रेशन 50-60% हो। अभी क्या, अभी जितना लोग आएंगे, आपको याद है टेलीकॉम मार्केट, इंडिया का टेलीकॉम मार्केट इतना हेल्दी इसलिए था कि इतने प्लेयर्स थे,
सब इनोवेट कर रहे थे, सब अपने अपने स्टेट सर्कल में इनोवेट करते थे। आज के दिन ई कॉमर्स का वही है। तो बहुत लंबा रास्ता है, अभी तो मतलब शुरुआत है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है सौरभ, आज के दिन लाइक आई सेड करोड़ों ग्राहक हैं, प्राइम मेंबर हैं, 14 लाख सेलर हैं। हमारा फोकस दो चीज़ पे है। हमको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए कुछ चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। और सेलर लाइए, और सेलर लाइएगा तो और सिलेक्शन आएगा। आपने अभी आजमगढ़ का बात किया, बहुत लोग खोजते हैं और उनको लगे केवल अमेजोन में मिलेगा तो लोग आते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम सेलर से चलता है। आज 14 लाख है, मेरी एक कोशिश होगी 1 करोड़ बने, और उसके लिए हम हर तरह का चीज़ करेंगे। लैंग्वेज का बात किया, हमारे पास एक सोशल ऐप है, ग्लो रोड कहते हैं। आपको याद है कि कभी कभी होता था कि गांव में एक आदमी है जिसे सब लोग पूछते थे कि क्या ले, उसको हमने एक बिजनेस बना दिया कि वो जो बुजुर्ग हैं या वो जो महिला हैं अपार्टमेंट में जो साड़ी लाती है वाराणसी से और अपने सबको बेचती हैं, वो उसका नाम है ग्लो रोड, सोशल ई कॉमर्स ग्लो रोड। वो एक अपार्टमेंट में कोई है जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, वो देखेंगी व्हाट्सएप में, फिर वो साड़ी का फोटो सबको भेजती है कि ये सिलेक्शन है। उनको हम कमीशन देते हैं कि आप हेल्प कर रहे हैं। ग्राहक को क्या फायदा है, वो उस दीदी को या आंटी को या बुजुर्ग को जानती है, कॉन्फिडेंस है, कोई ये नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आप वॉइस शॉपिंग कर सकते हैं। आप जाइए और बात कीजिए, टाइप करने का जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तीसरा, और इसमें आप फिर बहुत अलग अलग डिक्शन को पकड़ने की ट्रेनिंग भी करवा रहे होंगे। एलेक्सा तो पूरा गांव देहात के आदमी की भी बात समझ ले, एकदम उस पे बड़ा ये रहता है। आपने जूता पहना हुआ है, अभी मैं ऐप निकालूं, जूता का फोटो स्कैन करना है, सेम जूता आपको ऐप में दिखा देगा, कितना सेलर है, कहाँ पे है, किस स्पीड पे आएगा। तो पहले जो टाइप करते थे, जो पहले करोड़ों कस्टमर आए, हमारी इच्छा है कि 50-60 करोड़ लोग आए ऑनलाइन शॉपिंग करें, और उनके लिए हमको इनोवेट करना पड़ेगा। वॉइस शॉपिंग, विजुअल शॉपिंग, ग्लो रोड, उस पे फोकस रहता है। वैसा भी कुछ आएगा जिसमें मैं अपनी फोटो लगा दूं तो वो कपड़ा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, वर्चुअल ट्राई ऑन अभी भी है, और उसकी फिटिंग और सब चीजें। आप कभी किसी, आप तो नहीं खरीदेंगे, पर कोई महिला जब लिपस्टिक खरीदती है, लिपस्टिक का शेड होता है ना, तो आप दुकान जाके मिरर पे देखते हैं, अमेजोन पे क्या करेंगे, आप लगाइए, वो आपको दिखाई देगा कैसा शेड लग रहा है, वर्चुअल ट्राई ऑन करते हैं। तो अभी बहुत करना है, अभी 10 साल ही हुआ है, बट जो अच्छी चीज़ जो मैंने कहा कि कभी कभी हमें भी अच्छा लगता है कि 10 साल में काफ़ी कुछ कर पाए। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने लास्ट चीज़ अमेजोन से क्या खरीदी थी? मैं अभी दशहरा के लिए कुछ गिफ्ट भेजा हूँ अपने इन लॉज को। हाँ, आई एम होपिंग कि आपका एपिसोड उसके पहले नहीं आया, बिकॉज 23 तारीख अभी मैंने ना डिलेड डिलीवरी मांगा है कि भैया 23 को ही जमा करना, पहले जाके मत दे देने। तो अमेजोन में अभी ऑर्डर करूंगा, वो दिल्ली में रहते हैं, शाम तक आ जाएगा। हाँ। दशहरा अभी टाइम है, तो कुछ गिफ्ट लिया हूँ सारी का मदर इन लॉ के लिए। क्या बढ़िया दामाद जी पाए हैं आपने। ऑन दैट नोट, अब जरा देखते हैं कि भाई साहब ने जो बताई हैं चीज़ें विजन के लेवल पे, वो जमीन के लेवल पर कैसे होती हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ फ्लोर घूमा तो मुझे कुछ बहुत दिलचस्प बोर्ड दिखाई दिए और नारंगी टी शर्ट पहने कुछ बहुत ही एम्पावरिंग तस्वीरें दिखाई दी, उसके बारे में बताएंगे। मैं आप लोगों का इंसाइडर हूँ, तो मैंने पहले बड़े अधिकारी का इंटरव्यू तो लिया, फिर जाके पांव घूम के देख के आया ये जो बड़ा सा लोगो लगाए अमेज़ॉन, इतना बड़ा दफ्तर बनाए है, FC बोलते हैं जिसको, फुलफिलमेंट सेंटर, भीतर काम कैसे होता है। एक हमको बड़ी दिलचस्प चीज़ लगी, बड़ी मानवीय भी, कि एक तरफ फ्लोर पे ऐसे लोग काम कर रहे थे जो मूक हैं, बधिर हैं, या शारीरिक रूप से दूसरी चुनौतियां पाए हैं। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने, उनकी टी शर्ट पे पीछे लिखा है कि आप साइन लैंग्वेज में बात करिए, और बड़े अफसरान भी उनसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सिस्टम इतना इंग्लिश पिक्चर, इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि आप स्कैन करो तो कौन से किस्म का लिफाफा निकालना है, कौन सी चिट लगानी है, सब बहुत ऑटोमेटेड चल रहा है। तो एक ही छत के नीचे दो चीज़ें दिखी, तो हमने फिर अमेज़ॉन वालों से कहा कि अब हमें उनसे मिलवाओ जो ये पूरा, जिसको अंग्रेज़ी में लॉजिस्टिक्स कहते हैं, कि आपने ऑर्डर किया और आप तक डिलीवरी आई, कौन से वेंडर से सामान आया, क्या सामान आया, उसकी पैकेजिंग, उसका रन टाइम कितना है, ये सब के बारे में समझा सकें। तो हमारे साथ कुर्सी पे बैठे हैं अभिनव सिंह, बहुत बहुत आपका स्वागत है, मुस्कुराते चेहरे पर जाइए। इन्होंने पहले बहुत साल तक मर्चेंट नेवी में काम किया, पानी के जहाज को लेके पूरी दुनिया देखी, और अब ये अमेज़ॉन के ज़रिए दुनिया भर में सामान हम भारतीयों का पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा,
तो ये बताइए कि मनीष जी आए थे, बता रहे थे कि बहुत ही यूपी के लहजे में कहें, आप आगरा के रहने वाले हैं मूल रूप से, बहुत ही भसड़ वाला समय होता है, एकदम दे दनादन, घर में सफाई चल रही, बैक टू बैक त्यौहार, नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, एकदम, और इसमें लोकल त्यौहार और जोड़ दें तो और, तो आप लोगों के लिए किस तरह का दिन रहता है, ये जो शुरुआती दौर है जब एकदम क्लिक पे क्लिक चला आ रहा है? बहुत ही बिजी टाइम रहता है, बट इसको हम एक त्यौहार के नज़रिए से देखते हैं। आप जब आए फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर, आपने देखा सजावट है वहाँ पे, बेलारेट फैल्कन्स इस फुलफिलमेंट सेंटर का नाम है, तो एक प्राइड की भावना होती है और सेलिब्रेशन होती है, गेम्स होते हैं, लोगों को एंगेज किया जाता है, तो सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस इज सेलिब्रेशन फॉर कस्टमर्स एंड सेलिब्रेशन फॉर सेलर्स। एंड वही आप देखेंगे जब आपने फ्लोर पे देखा, आप और जाएंगे आप वही देखेंगे कि फॉर अस इट्स अ मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन। ये कैमरे पे कह रहे हैं और जाएंगे, जान नहीं दे रहे थे, कह रहे थे अभी बहुत ज़्यादा डिलीवरी का प्रेशर है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आप ज़्यादा ना घूमो, हमको डिस्टर्ब होता है। नहीं, देखिए आप कोई काम कर रहा है तो उसमें अगर हस्तक्षेप हो, किसी को कुछ, आपको चोट लग जाए, किसी और को चोट लग जाए, ये नहीं, 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 बिल्कुल मैं समझ गया। तो किस तरीके के संयुग्मन होते हैं, जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि आप सेंसिटिव भी रहें, इंक्लूसिव भी रहें, और जो तेज़ी से टेक्नोलॉजी, आप जो मैगजीन उठाइए, टाइम उठाइए, वायर्ड उठाइए, न्यूयॉर्कर उठाइए, भारतीय पत्रिकाएं उठाइए, कि हाउ एआई इज गोइंग टू चेंज, तो आपके लॉजिस्टिक्स में ये लेटेस्ट इनोवेशन एंड द ह्यूमन पार्ट, वो कैसे होता है, क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस है? अमेज़न में हम एक चीज़ कहते हैं कि ऑलवेज स्टार्ट विद द ह्यूमन। हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉजिस्टिक्स में स्पेशली, वो टेक्नोलॉजी से तो पावर्ड है, बट उसके बीच में ह्यूमंस हैं, वो मेन वेमेन हु मेक इट हैपन एवरी सिंगल डे। आपने फ्लोर पे देखा जो डेफ एंड हियरिंग इम्पेयर्ड एसोसिएट्स हैं, वो एक हमारी पहल थी कि ऐसा हो कि इन लोगों को एक मौका मिले, इनको हम एक ऐसा इन्वायरमेंट दें ताकि वो आके नॉट ओनली काम कर सके बट फ्लरिश कर सके। मैंने जैसा कि बताया, इनमें से कई लोग प्रमोट हुए हैं, मैनेजर भी बने हैं। आपने डेफ एंड हियरिंग इम्पेयर्ड की बात की, हमारे नेटवर्क में ऐसे भी लोग हैं जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई लिम्ब डिसेबिलिटी है, उसकी पूरी एक रीज़न यही है ताकि हम नॉट ओनली क्रिएट एन इम्पैक्ट एट अ बिजनेस लेवल बट क्रिएट एन इम्पैक्ट एट अ ह्यूमन लेवल। सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ why we are doing this. There are hundreds of them. There is not just one or two जो आपने देखे। जो technology की आपने बात की, हर चीज में we look at how we can make the process more efficient and faster, ताकि वो customer तक चीज जो है वो तेज पहुँच सके और reliably पहुँच सके। एक बार आपने अगर अमेज़ॉन पे, हम उसे प्रॉमिस कहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं ये काम करके दूंगा, तो मैंने आपको प्रॉमिस दे दिया, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, बड़ी कीमत है उस वचन की। जी, वचन दे दिया। उसी तरह से हमारे जो वेबसाइट पे हम देते हैं आपको एस्टिमेट, जो डेट देते हैं, हम उसे प्रॉमिस कहते हैं। वो हमारा ग्राहक के साथ वचन है कि हम इस डेट तक आपके पास सामान पहुँचाएंगे। उसको पहुँचाने में चाहे हम पानी का जहाज़ यूज़ करें, चाहे हम हवाई जहाज़ यूज़ करें, चाहे हम रेलवे यूज़ करें, चाहे ट्रक यूज़ करें, जो भी साधन लगे उस साधन से आप तक वो पहुंचाएंगे। हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो उस वचन के बाद काम करते हैं कि इसको पूरा करने के लिए ये सामान कहाँ है, ये ग्राहक कहाँ है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो किस वेयरहाउस में जाना चाहिए। अभी आप बैंगलोर में बैठे हैं। हाँ, थोड़ा वही मैं कह रहा था, उदाहरण से समझाइए। जी, जैसे अभी आप बैंगलोर में बैठे हैं और आपने अपने, आप हैं नहीं बैंगलोर के, आप कहीं और के निवासी हैं, आपने अपने होटल का एड्रेस डाला, तो आपकी वही चीज़ आज बैंगलोर से आएगी, पर जब आप वापस दिल्ली चले जाएंगे तो वही चीज़ दिल्ली के वेयरहाउस से आएगी, तो ताकि आपके पास की जगह से जल्द पहुँच सके आपसे। तो पहला तो टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करती है कि आप जहाँ हैं उस हिसाब से आपके पास ऑर्डर ड्रॉप हो। एक बार वो ऑर्डर ड्रॉप
इस बिल्डिंग में हो गया कि मतलब इस बिल्डिंग को पता चल गया कि आपका ऑर्डर शिप करना है, तो ऐसे हमारे एसोसिएट्स ऑलरेडी है फ्लोर पे जो पिकिंग का काम कर रहे हैं, जो सामान उठाने का काम, वो जो लेके ट्रॉली घूम रहे थे स्कैनर के साथ, जिनके हाथ में स्कैनर देखा आपने, उनके स्कैनर में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये सामान उठाना है, और वो इस तरह डिसाइड होता है कि वो जिस पाथ पे चल रहे हैं उसके पास वाले शेल्फ का इसके पास आएगा। प्रोसेसिंग का टाइम बच रहा है जी, उनका टाइम बच रहा है, उनका ट्रैवल टाइम बच रहा है, और आपके लिए स्पीड बढ़ रही है। वो सामान को उठाते हैं और उसके बाद उठाने के बाद वो एक डब्बे में डाल के कन्वेयर पे डाल देते हैं, वहाँ से वो सामान जाता है ऑटोमेटिकली एक जगह पे जिसे हम पैकिंग स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे वो सामान की पैकिंग की जाती है। वो डब्बे के डब्बे चल के आते हैं उस पट्टी पे, और पैकिंग के समय सिस्टम बताता है कि किस डब्बे को चूज़ किया जाए, क्योंकि अगर ये आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है कि ये सामान छोटा है डब्बा बड़ा आ गया, तो इसको कैसे कम किया जाए ताकि कस्टमर को भी फ्रस्ट्रेशन ना हो, पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, और इससे कॉस्ट भी बचे, तो हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करते हैं कि उस सामान के साइज़ में क्या फिट होगा। अगर दो चीज़ें हैं तो वो दो चीज़ किस डब्बे में फिट होंगी, आपने वो भी देखा कि ये दो चीज़ें एक साथ कैसे जाती हैं, तो वो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके बाद सामान जाता है एक जगह जिसे हम कहते हैं स्लैम स्टेशन। स्लैम का मतलब है कि वहाँ पर जाके हम लेबलिंग करते हैं। उस समय फिर से कॉल हुआ, ये रियल टाइम कैलकुलेशन होती है देखने के लिए कि जो हमने आपको वचन दिया था वो अभी इस जरिए से पूरा हो सकता है कि नहीं। अगर हमने आपको वचन दिया था ये सोच के कि आप बैंगलोर में हैं तो आपको हम ट्रक से भेज सकते हैं, पर जब तक हम पूरा करने आए उस समय हो सकता है कि इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, तो दिल्ली वाला वेयरहाउस भेज रहा है अब आपको, तो वो ग्राउंड से नहीं भेजेगा, वो एयर से भेजेगा। तो उस समय फिर से डिसाइड होता है कि ये किस वाहन से जाएगा। मुझे लग रहा था कि आप बैंगलोर के ट्रैफिक पे जोक मारने ही वाले हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंगलोर के ट्रैफिक पे पिछले 8 साल से बैंगलोर में रह रहा हूँ, तो बट फिर डिसाइड होता है कि ये एयर से जाए, रेल से जाए, बस से जाए, ट्रक से जाए। उसके बाद ये जाता है सॉर्टेशन सेंटर्स पे। सॉर्टेशन सेंटर को ऐसे समझिए जैसे एक बस अड्डा हो, बहुत जगह से बसें आ रही हैं और फिर वहाँ से कंसोलिडेट डी कौन से रूट की कहाँ जानी है क्या होना है, हाँ, फिर वहाँ से वो दूसरी जगह जा रही हैं। वहाँ से ये जाता है एक लास्ट माइल डिलीवरी स्टेशन पे। ऐसे हमारे 2000 स्टेशन हैं इंडिया में, जो काफ़ी स्टेशन हमारे खुद के स्टेशन हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो हमारे पार्टनर चलाते हैं, और वहाँ से ये आपके घर तक की जर्नी पूरी होती है। इसमें कभी ये आई हैव स्पेस एक हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पे छोटे दुकानदार जिनके दुकान पे सुबह लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, शाम को लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, पर दिन में कई ऐसा समय होता है जहाँ शॉपिंग के लिए लोग कम आते हैं, तो उस समय वो कैसे यूटिलाइज़ करके हमारे लिए डिलीवरी करें और उनको उस समय का फ़ायदा हो। तो ऐसे 28,000 हमारे स्टोर हैं पूरे इंडिया में जो हमारे लिए डिलीवरी करते हैं। हमारा एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम है जो लघु और मीडियम, बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जिसे कहते हैं हम, इसमें वेटरन्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस में, जिनकी ये ज़रूरी नहीं है उनका बैकग्राउंड हो लॉजिस्टिक्स में, उनको हम सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं और फिर वो हमारे लिए डिलीवरी करते हैं जाके। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अभी मैं मनीष जी से बात कर रहा था तब भी जिक्र आया कि भारतीय रेलवे और भारतीय पोस्टल सर्विस, उसके साथ किस तरह का कोलैबोरेशन है और क्या तजुर्बे हैं, कुछ अगर उदाहरणों से बता सकें। भारतीय रेल और भारतीय पोस्ट के साथ हमारा बहुत लंबा कोलैबोरेशन है। भारतीय पोस्ट के साथ अब 11 साल से हम जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमने 2012 में पहल की थी, और जब हमने इंडिया में लॉन्च किया था 2013 में पब्लिकली, तो हमारे पहले कैरियर्स में से वो एक थे और अभी भी हमारे काफ़ी बड़े पार्टनर हैं। उनके साथ हमने काम, उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, देश के हर कोने में वो सामान पहुंचाते हैं। अब ये हमारे जो सेना में लोग हैं वो बॉर्डर पे हैं या कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे सामान पहुंचाना मुश्किल, दुर्गम इलाके, जी जी,
वहाँ पे आर्मी पोस्टल सर्विस के थ्रू APO में हम सामान भेजते हैं और APO हमारे सोल्जर्स तक पहुँचाता है वो सामान जो अमेजोन से ऑर्डर करता है, किताबें और जो भी उनको चाहिए वो वहाँ पे APO के थ्रू पहुँचाया जाता है। जब हमने लॉन्च किया था उस समय इंडिया पोस्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं भेज सकते थे, बट उन्होंने काफ़ी यू नो मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस दिखाई और उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी इनेबल किया अपने नेटवर्क में जाने के लिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जब हमने इंडिया पोस्ट के साथ, जिसे कहते हैं ना कि आप आविष्कार ही कह लीजिए एक तरह से, कि हमने पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ काम किया उनके साथ मिलकर, और ऐसे पिछले 10 साल में काफ़ी उदाहरण हैं। अभी उनके साथ मिलकर हमने डाक निर्यात केंद्र शुरू किए हैं जहाँ से यहाँ के जो सेलर्स हैं वो सामान एक्सपोर्ट कर सकें पूरी दुनिया में। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जब हमने इंडिया पोस्ट के साथ काम किया। और रेलवे, रेलवे के साथ हमने 2019 में काम शुरू किया था और हम पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी थे जिन्होंने उनके साथ काम किया। उनके साथ हमने राजधानी, दुरंतो, जितनी भी सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं उनमें अपने पैकेजेस लोड करने शुरू किए उनके वैन पार्सल में और देश के कोने कोने में पहुँचाए। ऐसा हुआ कि उससे हमारी स्पीड की बढ़ोतरी हुई, जितने भी हमारे शहर हैं जहाँ पे हम वन डे स्पीड नहीं दे पा रहे थे हम देने शुरू किए रेलवेज के थ्रू। और अभी हाल ही में जो उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किया है 2023 में, तो हम पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने उनके साथ पार्टनर करके जो रेवाड़ी पालनपुर का उन्होंने कॉरिडोर लॉन्च किया है हरियाणा और गुजरात, हरियाणा से गुजरात के बीच में, हाँ जी, उनके साथ हम उस पर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारा हमारे पैकेजेस हमारे कस्टमर के पैकेजेस उस पर जाते हैं। तो ये जो दोनों रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हैं और अब काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, पोस्ट के साथ पिछले 11 साल से, रेलवेज के साथ पिछले 5 साल से, और हम इनके साथ इन्वेंशन करते रहेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि लॉजिस्टिक्स में आगे आप लोग किस तरीके की तब्दीलियां देख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपको हम लोगों का कंज्यूमर्स का बिहेवियरल पैटर्न भी पता है, प्रोडक्ट की रेंज बहुत बढ़ रही है ना, कि मान लीजिए मुझे पंडरपुर में विट्ठल भगवान की मूर्ति बनती है POP की और वो मुझे दिल्ली मंगवानी है, पर वो चूंकि बेस पे बनती है मूर्ति तो नाजुक है, मतलब ऐसी भेजेंगे तो टूट जाएगी, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तब भी गड़बड़ है, आस्था के हिसाब से देखें तब भी गड़बड़ है। तो एक तो प्रोडक्ट की रेंज बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो सब लोग कि सारे जो भी सेलर हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ, तो लॉजिस्टिक्स के भी उसी हिसाब से इशू बढ़ेंगे, और दूसरा टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है रोड मैप? जितना भी लॉजिस्टिक्स का रोड मैप है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से चलता है। तो हमारा जो एक एम है कि हम ये कहते हैं कि कभी भी ऐसा कस्टमर नहीं आएगा हमारे पास जो कहेगा कि सामान आप हमें थोड़ा धीरे पहुंचा दीजिए या हमारी थोड़ी कन्वीनियंस कम कर दीजिए। तो हम उस बात को मानते हैं कि चाहे कुछ भी चेंज होता रहे, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि स्पीड कस्टमर तक बढ़ती रहे, और ऐसा ना हो कि आज आप एक दिन की दे रहे हैं कल आपने 3 दिन की कर दी, वो रिलायबली बढ़े, आप पे आपको हमारी स्पीड पे भरोसा हो और हम आपकी कन्वीनियंस और भी ज़्यादा बढ़ाते रहे। तो ये हमारा ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है। इसके अंदर हमने पिछले इस साल अनाउंस किया था हम 50 शहरों में सब सेम डे डिलीवरी कर रहे हैं कि आपने आज ऑर्डर किया तो मिलियंस ऑफ सामान, ऐसा लाखों ऐसे सामान है जो आपको उसी दिन मिल जाता है, और अगर आप प्राइम कस्टमर है तो फ्री मिल जाता है। और जो हमने पैकेजिंग मैंने आपको दिखाया, जो मशीन लर्निंग यूज़ होती है पैकेजिंग में, वो पैकेजिंग पूरी हमने ऐसी ईजाद की है जो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है। मतलब सारी पेपर पैकेजिंग है, बिल्कुल हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं, हमने पेपर टेप बिल्कुल यूज़ नहीं करते, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ फुलफिलमेंट सेंटर से जितना भी सामान जाता है बिल्कुल प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, हमने प्लास्टिक एलिमिनेट कर दिया है आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमने कार्बन जीरो की तरफ पढ़ रहे हो गुरु जी। हमने ये वचन लिया है कह लीजिए, प्रण लिया है कह लीजिए, हमारा एक क्लाइमेट प्लेज है जो 2040 तक हम नेट जीरो कार्बन हो जाएंगे एज अ कंपनी। पेरिस अकॉर्ड में था कि 2050 तक होना चाहिए, हमने उसे 10 साल पहले होने का प्रण लिया है, और उसके लिए पैकेजिंग तो एक डायमेंशन कह लीजिए आप। एक और डायमेंशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इस समय हमारे नेटवर्क में 6000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और हमने
एक और कमिटमेंट दिया था कि हम 2025 तक 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, और हम करेंगे अगले डेढ़ साल में और 4,000 से 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। तो वो ये है कि आप डिकार्बनाइजेशन करिए अपनी फ्लीट का। सिमिलरली आप कैसे और कर सकते हैं ताकि आपका नेटवर्क नेट ज़ीरो कार्बन हो जाए, तो इस पर काफ़ी काम चल रहा है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं आप देख रहे होंगे लाइट बीच बीच में ऑफ हो रही हैं, ये सारी मोशन सेंसिटिव लाइट्स हैं ताकि वो जो एनर्जी यूज़ कम हो, और जब कोई नहीं हिल रहा है इस एरिया में नहीं है तो ऑफ होती रहे, ऑफ हो जाए तो उससे एनर्जी यूज़ कम हो। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं उसकी छत पे सोलर पैनल है, इस बिल्डिंग की 70% बिजली जो है वो सोलर पैनल से आती है, ताकि कम से कम हम लाइन की बिजली यूज़ करें। तो ऐसे हर एरिया में हम इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हम पर्यावरण के लिए और अच्छा करें। आपके इस जवाब से मुझे एक सवाल सूझा है, हालांकि मैंने कह दिया था पिछला आखिरी सवाल। डू यू सी अ फ्यूचर जहां पे ताऊ बैठा है, अनाज बेच के आया है, उसके पास बढ़िया गुंजाइश है, और उसने कहा कि भाई हम तो कार ऑर्डर करेंगे, हम तो हेलीकॉप्टर ऑर्डर करेंगे, आज से 20-30 साल में हो कि वो हेलीकॉप्टर उनके यहाँ डिलीवर हो रहा है या कार डिलीवर हो रही है? आप amazon.in पे जाइए, ऐप खोलिए, और आज भी आप स्कूटर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, स्कूटर ऑर्डर है अभी, पर वो हम डिलीवर नहीं करते हैं, वो या तो पार्टनर जिन जिनसे आप ऑर्डर कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, या आप उनके शोरूम से जाके ख़रीद सकते हैं, पर ऑर्डर आप ज़रूर कर सकते हैं। और आपने कई बात हेलीकॉप्टर की, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक दिन आएगा जब हम हेलीकॉप्टर भी डिलीवर करेंगे। चलिए, बातें ऐसी ही चलती रहेंगी, कभी ज़मीन पर, कभी हवा और कभी पानी में। आप उत्सव मनाते रहिए, और मैं आपके लिए अलग अलग जगहों पर जाकर बैकएंड में क्या होता है ये तलाशता रहूँगा। आप देख रहे थे ललन टॉप की ये त्यौहार की स्पेशल पेशकश, जिसमें हमने अमेज़ॉन से गुजारिश की कि हमको आने दो, ज़रा हम देखें, फिर देश को दिखाएं कि भीतर होता क्या है। शुक्रिया।